नमस्कार, आप सबों का आज के इस प्रोग्राम में स्वागत है। और मैं हूँ डॉक्टर शांति रॉय, पटना में रहती हूँ और यहाँ पर मैं प्रैक्टिस करती हूँ, गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। आप सबों को पता है कि हमारा देश बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेटेड है, जनसंख्या की समस्या से हम लोग सभी परेशान हैं। जहाँ जाइए वहीं पर भीड़ दिखाई पड़ेगी। वैसे तो कोरोना के ज़माने में भीड़ कहीं नहीं दिखाई पड़ रही है, लेकिन आप भूली नहीं होगी कि बस स्टैंड जाइए, मंदिर जाइए, स्टेशन जाइए, ट्रेन पर चढ़िए, सब जगह लगता है कि केवल आदमी ही आदमी दिखते हैं। पॉपुलेशन एक बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन क्या आपको पता है कि इतने ज़्यादा पॉपुलेशन के बावजूद हमारे यहाँ काफ़ी लोग ऐसे हैं जो संतानहीन हैं, इन्हें एक भी बच्चा नहीं है, या अगर है भी एक तो वो ठीक नहीं है, उसमें कुछ विकलांगता है, कोई गड़बड़ी है, या बहुत लोगों का एक आध हुआ भी तो वो मर चुका है और अब हो नहीं रहा है। तो संतान विहीनता भी एक हमारे यहाँ की बहुत बड़ी समस्या है। मैं उसी के संबंध में थोड़ी सी बातें आपसे करना चाहती हूँ। संतान विहीनता का कारण क्या है, क्यों बच्चा नहीं होता है? अधिकांश लोगों को तो शादी के बाद अगर सब चीज़ ठीक ठाक रहा तो एक साल के अंदर अधिकांश लोगों को बच्चा हो जाता है या प्रेगनेंसी आ जाती है, अगर वे किसी तरह के फैमिली प्लानिंग का विधि उपयोग में नहीं ला रही हैं तो। लेकिन कुछ लोगों को नहीं हो पाता है, उसमें से कुछ लोगों को दो साल बीतते बीतते भी आ जाता है, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं जो इंतज़ार करते रह जाते हैं और नहीं आता है। तो क्यों नहीं होता है बच्चा, क्यों कंसेप्शन नहीं होता है, इसके विषय में हम लोग मोटा मोटी थोड़ा बहुत जानेंगे। तीन तरह के कारणों से अधिकांशतः बच्चा होने में विलंब होता है या बच्चा नहीं रह पाता है, प्रेगनेंसी नहीं ठहर पाती है। एक तो है ट्यूब का बंद रहना। बच्चा होने के लिए पति का नॉर्मल रहना जरूरी है। पति के शुक्राणुओं, पति में शुक्राणुओं का की संख्या, शुक्राणुओं की चाल, जैसे वो अच्छे से चले, मोटाइल हो, ये दोनों बहुत जरूरी है। इसलिए पति की जांच होनी जरूरी है ताकि उनके स्पर्म्स को देखा जा सके कि उसमें नंबर सफिशियंट है कि नहीं, पूरी है कि नहीं, और वो शुक्राणु अच्छे से भागते हुए चल पाते हैं कि नहीं। क्योंकि जो शुक्राणु चलेंगे नहीं, अस्थिर रहेंगे, वे फिर सही जगह पे नहीं पहुंच पाएंगे और प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो एक है मुख्य कारण पति में शुक्राणुओं की कमी या उसके चाल में कमी शुक्राणुओं के। दूसरी जो औरत में हो सकती है वो है ओवुलेशन का नहीं होना, यानी पति का शुक्राणु और पत्नी का अंडाणु, ये दोनों जब मिलते हैं तब प्रेगनेंसी होती है, फर्टिलाइजेशन होता है। तो पत्नी का अंडाणु महीना में अधिकांश महिलाओं को केवल एक बार निकलता है और वो दिन होता है यूजुअली 14वां-15वां दिन, जिनको मासिक 28 से 30 दिनों पर हुआ करता है, उनके अंडाणु मासिक शुरू होने के 14 रोज के बाद अधिकांशतः निकलते हैं। ये कोई फिक्स्ड नहीं है, कभी 2-3 रोज पहले भी हो सकता है, 2-3 रोज बाद भी हो सकता है, लेकिन वही 14वें दिन के इर्द गिर्द ही वो शुक्राणु उसको निक्षरित होता है। इसीलिए उस समय पति पत्नी को साथ रहना जरूरी होता है। अगर पति विदेश में नौकरी कर रहे हों या देश में ही हैं, छुट्टियों में बीच बीच में घर आया करते हैं, तो कहने के लिए शादी 2 साल से हुई हो लेकिन साथ रहने का मौका और सही समय पर साथ रहने का मौका नहीं मिला तो बच्चा आने में दिक्कत होगी। अगर वो हर सप्ताह में एक बार आते हों या एक महीने में एक बार आते हों तो उनके आने का दिन पत्नी के अंडाणु निकलने के दिन से मिलना चाहिए और उस समय उन लोगों को एक जगह रहना जरूरी है। तीसरी समस्या होती है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो भी, और वो है फैलोपियन ट्यूब्स का बंद रहना। यानी पत्नी का जो अंडा निकलता है वो पेट के अंदर से निकलता है और पति का शुक्राणु बाहर से अंदर जाता है, तो ये दोनों मिल पाएँ उसके लिए रास्ता क्लियर होना चाहिए दोनों के मिलने का। अगर वो बंद रहेगा, फैलोपियन ट्यूब होता है एक यूट्रस के बगल में दोनों तरफ जिसमें फर्टिलाइजेशन होता है, अगर फैलोपियन ट्यूब बंद रहेगा तो दोनों एक दूसरे से मिल ही नहीं पाएंगे और तब बच्चा नहीं हो पाएगा। फैलोपियन ट्यूब बंद होने का कारण अधिकतर इन्फेक्शन होता है जो पहले हो चुका हो, और इन्फेक्शन का कारण या तो मासिक के समय गर्भ के समय अगर कपड़ा वपड़ा जो लिया जाता है उसको साफ कपड़ा
नहीं लिया जाए, अगर ठीक नहीं हो, ठीक से उसकी संभाल नहीं की जाए, तो इन्फेक्शन होने का डर बढ़ जाता है। या बहुत आजकल डर रहता है अगर अनचाहा गर्भ ठहरे, मैंने गर्भ ठहरने का भी या रिश्ते बनाने का, सेक्सुअल इंटरकोर्स का, तो अगर गलत आदमी के साथ संबंध हुआ तो उसके चलते भी इन्फेक्शन होता है। बहुत सारे वायरल इन्फेक्शन हैं, बहुत गोनोकोकल इन्फेक्शन है, तो बहुत तरह के इन्फेक्शन होते हैं जो कि फैलोपियन ट्यूब को बंद कर देते हैं। इसीलिए यौन संबंधी सावधानियां बहुत ज़रूरी होती हैं और इसके संबंध में बहुत ही सावधान रहना चाहिए पति को भी और पत्नी को भी कि वे गलत संबंध न बनाएं और अपनी सफाई सुथराई का ख्याल रखें। इसके अलावा टीबी भी हम लोगों का एक बहुत मुख्य कारण है जिसके चलते फैलोपियन ट्यूब बंद हो जाता है। तो इसकी जांच, हम लोग फैलोपियन ट्यूब बंद है कि नहीं, इसकी जांच करने पर पता चलता है, ऐसे नहीं पता चल पाता है। इसकी जांच होती है या तो एक्सरे द्वारा, जिसको कहते हैं हिस्टेरोसेल्पिंगोग्राफी, इसमें एक सुई दी जाती है यूट्रस के अंदर और वो सुई होश में ही दी जाती है, इससे थोड़ा दर्द करता है, इसलिए उसके करने के पहले एक दर्द की दवा दे दी जाती है और वो सुई पास करता है ट्यूब, अगर ट्यूब ठीक रहेगा तो सुई ट्यूब से बढ़िया से पास हो जाएगा दवा, और एक्सरे लेने पर वो आ जाएगा कि हाँ दोनों ट्यूब बढ़िया है। लेकिन कभी कभी इसमें रिजल्ट फॉल्स भी आता है, गलत रिपोर्टिंग हो जाती है, तो पक्का पक्की पता करने के लिए लैप्रोस्कोपी जांच होता है जिसे बहुत अच्छी तरह पता चल जाता है कि दोनों ट्यूब बंद हैं, कि एक ट्यूब बंद है, कि दोनों खुले हुए हैं, कोई और बीमारी है कि नहीं है। इसका भी अच्छे से पता लैप्रोस्कोपी द्वारा हो जाता है कि किसी और कारण से बच्चा होने में दिक्कत है कि नहीं है। तो इन तीनों मुख्य कारणों के अलावे और भी बहुत सारे कारण हैं जिसमें बच्चा होने में विलम्ब हो सकता है, जैसे एंडोमेट्रियोसिस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, फाइब्रोमायोमा, ओवेरियन सिस्ट, इन सब चीज़ों में भी कभी कभी विलम्ब हो सकती है। तो बस आज के लिए इतना ही, नमस्कार।